डॉग कितने प्यारे होते हैं, क्यूट होते हैं, और होंगे भी क्यों नहीं हमारे बेस्ट फ्रेंड जो ठहरे। तो आइए उनके उन बातों को समझें जो हमें पसंद नहीं, जैसे इंसानों का चेहरा चाट, उनका ये बिहेव हमें पसंद नहीं आता, पर ये उनका नॉर्मल बिहेव है जो ये आम तौर पे करते हैं। हालांकि इनके चाटने के पीछे कई कारण होते हैं। हो सकता हो कि डॉग भूखा हो, या फिर वो अपने बारे में या आपके बारे में हाल समाचार ले रहा हो, या हो सकता है कि आपका पसीना उसे टेस्टी लगता हो और वो उस पसीने का आनंद ले रहा हो। इसे हम कुछ इस तरह समझते हैं 7 चरणों में। नंबर 1 अफेक्शन, नंबर 2 रिस्पेक्ट, नंबर 3 हंग्री, नंबर 4 गैदर इन्फॉर्मेशन, नंबर 5 ग्रूमिंग, नंबर 6 टेस्ट, नंबर 7 प्लेजर। नंबर 1 की बात करते हैं। आपका डॉग आपसे प्यार करता है ये आपको महसूस कराने के लिए आपका चेहरा चाटने लगता है। ऐसा प्यार दिखाने का तरीका जो है उसने अपनी माँ से सीखा है, क्योंकि जानवरों में एक दूसरे को चाटना पारिवारिक संबंध को मजबूत बनाता है। नंबर 2 रेस्पेक्ट। डॉग भेड़िए की प्रजाति का है और भेड़िया झुंड में रहते हैं। झुंड में सबका अपना अपना स्थान होता है, उसी तरह डॉग आपको अपने झुंड का मुखिया समझता है और रेस्पेक्ट में आपका फेस चाटता है। नंबर 3 हंगरी। भेड़िया के बच्चे खाना मांगने के लिए अपनी माँ और अपने बड़े का चेहरा चाट करके खाना मांगते हैं। उसी तरीके से आपका भी डॉग भूखा होने पे आपका फेस लिक करता है और आपसे खाना मांगने की गुजारिश करता है। नंबर 4 गैदर इन्फॉर्मेशन। कुत्ते के नाक में विशेष इंटरसेप्टर होता है जिससे वो पता लगाने में सक्षम होते हैं कि आप सुकून महसूस कर रहे हैं या तनाव महसूस कर रहे हैं। ये जानने के लिए वो उत्सुक रहते हैं, इसलिए भी वो आपका फेस लिक करते हैं। नंबर 5 आपका कुत्ता ये सुनिश्चित करना चाहता है कि आप साफ हैं। ये इनका नॉर्मल बिहेव है, वो खुद को भी ऐसे ही चाट के साफ सुथरा रखते हैं। नंबर 6 आपके शरीर से जो पसीना आता है वो नमकीन होता है। कुछ कुत्तों का इसका स्वाद अच्छा लगता है और वो इसका आनंद लेना चाहता है। प्लेजर। नंबर 7 आपका कुत्ता आपको इसलिए चाटता है क्योंकि उसे अच्छा लगता है। उसे चाटने से आराम, सुकून और सुरक्षा महसूस होता है, जिसके कारण वो आपको चाटता है। थैंक यू दोस्तों। लेजी बर्डी को फॉलो करने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर